हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आज के इस टाइम में आपके लिए बहुत ही काम की ट्रिक लेकर आई हूँ। जब भी हम बाजार से सब्जियाँ या फिर फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं, तो आज बहुत जरूरी हो गया कि हम उसे सैनिटाइज करें, अच्छे से साफ करें पहले, और फिर उसे फ्रिज में रखें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी एक इजी ट्रिक शेयर कर रही हूँ, जिससे सब्जियों को फ्रूट्स को सैनिटाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये जो मेरी ट्रिक है दोस्तों, एकदम केमिकल फ्री है, सेफ है और बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही घर में सब्जियां आए, सबसे पहले तो आप उन्हें एक बार पानी से धो लीजिए और इस तरह से अरेंज कर लीजिए। और अब हम इन्हें सैनिटाइज करेंगे। तो सैनिटाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर में एक दो ग्लास पानी डाल लिया है और कुकर को बंद कर हम गैस पर रख देंगे ताकि इसमें प्रेशर आए। और जैसे ही कुकर में प्रेशर आएगा, हम उसकी सीटी निकाल देंगे। और ये जो आप पाइप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैंने गैस सिलेंडर की पाइप ली है। जो हमारे घर में सिलेंडर लगा रहता है, उसमें जो मोटी वाली पाइप आती है, बस वही लेना है आपको। तो ये देखिए, एक किनारे को मैं इस तरह से विसल वाले एरिया में रख रही हूँ। तो जहाँ सीटी लगी रहती है कुकर में, वहां एक पाइप लगा लीजिए और दूसरे छोर से इसमें स्टीम आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया स्टीम आ रही है। और इस स्टीम से हम सब्जियों को सैनिटाइज करेंगे। तो बस इस तरह से स्प्रे कर लीजिए सारी सब्जियों फ्रूट्स पर। बस एक बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कोई भी पतली प्लास्टिक पाइप नहीं लेना है आपको, क्योंकि इसमें हीट होती है जिसकी वजह से पिघल सकती है और वो सेफ नहीं होगी। तो आपको मोटी वाली पाइप ही लेना है। तो ये जो गैस सिलेंडर की पाइप है, ये आप ले सकते हैं, कोई भी पुरानी पाइप यूज कर लीजिए। और जितनी ज्यादा देर तक आप स्टीम देंगे फ्रेंड्स, ये वाली पाइप भी गर्म होना शुरू हो जाती है। तो सावधानी के तौर पर आप इसे कोई कपड़े या फिर किचन टॉवल से ही पकड़िए, ताकि आपके हाथ ना जले। और बहुत ज्यादा देर तक इसे आपको यूज नहीं करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुकर से जो स्टीम निकलती है, जो भाप निकलती है, इस पाइप के जरिए हम उसे सब्जियों पे स्प्रे कर रहे हैं। इस तरह से हमारी सब्जियां भी सैनिटाइज हो जाएंगी और बिल्कुल भी केमिकल डालने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इसमें सोप या डिटर्जेंट यूज करने की जरूरत है। और दोस्तों, सब्जियों और फ्रूट्स के साथ साथ आप इस ट्रिक को बाकी के सामान, जो पैक्ड सामान होते हैं, पैकेट वाले, उन पर भी आजमा सकते हैं। तो सारे सील पैक्ड प्रोडक्ट्स को एक साथ रखकर आप उन्हें भी स्टीम कर सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह से स्टीम देकर आप हरे पत्तेदार सब्जियों को भी सैनिटाइज कर सकते हैं, जैसे कि धनिया पत्ती या फिर भाजियां हो गई, उस पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और सारी सब्जियों को स्टीम देने के बाद आप फैन के नीचे रख दीजिए, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और सूखने के बाद ही आप उसे फ्रिज में रखिए। पसंद आया मेरा वीडियो तो जाते जाते लाइक जरूर करते जाइए। काम का लगा है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिए, ताकि हर बार जब भी मैं नया वीडियो डालूं, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।